हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाला जाता है। वो भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स इसको देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ एनी नंबर ओनली इन 4 सेकेंड्स, हमको 4 सेकेंड में निकालने हैं। दोस्तों बहुत आसान सा ट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं परसेंट, परसेंट का जो वर्ड है उसी में मीनिंग छुपा हुआ है। इसको देखेंगे तो पर मीन्स क्या होता है दोस्तों, पर मीन्स हुआ प्रति, ओके। सेंट मीन्स हुआ दोस्तों सेंचुरी, सेंट सेंट मीन्स सेंचुरी बोलते हैं इसको, ओके। दोस्तों ये सेंट मींस, तो सेंचुरी किसको बोलते हैं, 100 को, यानी ये है कि 100 में कितना हुआ। जैसे कि हम यहाँ पे 20% की बात कर रहे हैं, तो जस्ट इसका मतलब हुआ कि 100 में 20 की बात की जा रही है, ओके। दोस्तों 100 आउट ऑफ 100 की बात की जा रही है, मतलब 100 में 20 की बात की जा रही है, ओके। दोस्तों तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम समझते हैं कैसे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दोस्तों देख रहे हैं 120 का हमको सपोज 20% निकालने हैं, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे आसान करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 10% करने के लिए 100 में की बात की जा रही है, तो 10 हाफ कर देंगे, यानी कि 10% निकालने के लिए हमको 120 में जो है उसको एक पॉइंट इधर हम लोग दशमलव लाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, यानी 10 से भाग कर देंगे, सिंपल चीज है। तो यानी कि दशमलव यहां पर लगा देंगे, तो कितना हुआ दोस्तों, 12 हुआ। आप जानते हैं हमको 20% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको दो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 10% 20 का दो गुना होता है, ओके। दोस्तों तो हम इसको दो गुना कर देंगे और जैसे देखेंगे हम, तो ये होगा 24 हमारा, ओके। दोस्तों इसको आसानी से हम लोग कर सकते थे, 10% निकालते 12 होता, 12 दुना 24 कर देते 20% हो जाता। सपोज हमको मान लीजिए हमको रेंडम ले रहे हैं, 300 का हमको निकालना है 25%, ओके दोस्तों। तो दूसरा है कि 10% निकालकर हम जाए, और तीसरा है कि 100 को हम देखें 25% कितना होता है, 4 भाग करते हैं तो 25% होता है, ओके दोस्तों। तो इसका 25% निकालने के लिए ये 100 इसको मानते हैं, 300 का पूरा 100 मानते हैं, तो इसको 4 भाग करेंगे, तो जैसा कि जानते हैं इसको हाफ करेंगे तो 150 हुआ, उसका हाफ करेंगे तो 75 हुआ, तो क्या दोस्तों इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 10% निकालना है इसका हम लोग एक अंक ये कर देंगे, यहाँ पे दशमलव कर देंगे लेफ्ट साइड बढ़ाकर, इन 10 से भाग कर देंगे 30% हुआ। जैसे कि जानते हैं 20% निकालने के लिए हम लोग 60 कर देंगे, इसका 60 हो जाएगा। अब 5% 10% जब 30 हो रहा है तो 5% कितना हुआ दोस्तों, तो 15 हुआ, तो 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। सपोज हम रेंडम लेते हैं 1600 लेते हैं, 1600 का हमको निकालना है 40%, ओके दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, पहले इसका 10% निकाल देंगे, तो 10% कितना हुआ दोस्तों, 160 हुआ, क्योंकि एक जीरो हटा देंगे यहाँ पे, दशमलव कर देंगे तो एक जीरो हट जाएगा, और फिर से इसको 4 से गुणा करना 640 हुआ दोस्तों। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज मान लेते हैं 2400 लिख देते हैं, 2400 का हमको मान लीजिए निकालना है 30%, तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका 10% निकाल देंगे, 10% 240 हुआ, क्योंकि 10 से भाग कर देंगे, और इसका हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुना होता है 30%, 3 से गुणा करेंगे तो 12 हुआ, ये हुआ 6 1 7 720 हुआ दोस्तों। तो इस तरह हम लोग आसानी से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, पहले 10% निकालते हैं। सपोज एक और भी बता रहे हैं दोस्तों, सपोज हमको 180 का 3% निकालना है, 3%, ओके दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 180 में हम लोग जानते हैं 2 दशमलव लगा देंगे इधर लेफ्ट साइड, तो 1% हो गया। 10% के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसका 1 दशमलव इधर लगा रहे थे, तो यानी कि 10% ये करेंगे तो 1% के निकाल सकते हैं, 1.8 हुआ, 1.8 में हम लोग कर देंगे 3 से गुणा, तो 5.40 हो जाएगा दोस्तों, ओके। तो इस तरह हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ओके दोस्तों, थैंक्स।